नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चालू करने के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है और इसके लिए खुद वो एक एक चीज पर ध्यान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान दिया है, चाहे अस्पताल बनवाना हो, चाहे कॉलेज बनवाना हो, या फिर बिहार के सरकारी अस्पतालों में जो सुविधाएं नदारद थी, डॉक्टरों की लापरवाही कर लें या फिर ऑपरेशन में गड़बड़ी कर लें, इन तमाम चीज़ों पर तेजस्वी यादव का ध्यान जा रहा है। तेजस्वी यादव ने खुद जाकर अस्पतालों का निरीक्षण किया, डॉक्टरों ने जिस तरीके से लापरवाही की उनके ऊपर में कार्रवाई भी की, कई डॉक्टरों को निलंबित भी किया, कई डॉक्टरों को यह निर्देश दिया कि अगर आप समय पर अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो आपको हटा लिया जाएगा। यानी कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में जो लोग बार बार शिकायत करते थे कि ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो कभी कुछ गड़बड़ियां आती हैं, तो उसके लिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कमर कस ली है। बिहार वासियों के लिए रोज स्वास्थ्य विभाग में कुछ ना कुछ नया चीज देखने को मिल रहा है और इसी क्रम में एक बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आई है तेजस्वी यादव के मंत्रालय से कि अब मरीजों का जो ओपीडी होता है उसका समय जो राज्य के अंदर ओपीडी का समय जो है वो बदल गया है और मरीजों को सबसे अधिक सुविधाएं और सबसे पहली सुविधाएं मिलने वाली है। बिहार में तेजस्वी यादव ने जब से स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाला है वो आए दिन आला अधिकारियों के साथ बैठक करके पूरे विभाग को अलर्ट मोड पर काम करने का निर्देश देते रहे हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी खुद विभागीय मंत्री देर रात औचक निरीक्षण कर निकल जाते हैं। इसके अलावा वे इसमें सुधार को लेकर कई तरीके की स्कीम भी लागू कर चुके हैं। इस बीच जो जानकारी ये है कि ओपीडी को लेकर निर्देश जारी किया गया है, राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल और सदर अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली ओपीडी का समय बदल दिया गया है। अब बिहार के लोगों को ओपीडी की सुविधा दोपहर बाद भी मिलेगा। राज्य के अंदर अब ओपीडी दो पालियों में चलेगी। इसके लिए दो शिफ्ट में रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। पहले शिफ्ट के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 तक निबंधन किया जाएगा। इसके बाद शाम 3:30 से 5 बजे तक निबंधन किया जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जाएगा। अब दो पालियों में ओपीडी चलेगी। आपको बताया कि पहली शिफ्ट में ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा, दूसरी शिफ्ट में इसके बाद 4 बजे से 6 बजे तक चलेगा। रविवार को ओपीडी बंद रहेगा। इसके अलावा ओपीडी संबंधित शिकायत और सुझाव के लिए 104 नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। मालूम हो कि महागठबंधन की सरकार बनते ही मंत्री तेजस्वी यादव ने सभी जिले के सिविल सर्जन के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के सभी कमियों को दूर करने के लिए सिविल सर्जन को 60 दिन का समय दिया। इस दौरान उन्होंने कई डॉक्टर को निलंबित भी कर दिया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और अब देखिए तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला ले लिया है कि अब ओपीडी दो शिफ्ट में चलेगा। इस दौरान राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा प्रयास राज्य के हर जिलों में एक मेडिकल कॉलेज का बनाना है, इसको बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वर्तमान में राज्य के अंदर 23 जिले में 24 मेडिकल कॉलेज है, इन सभी में 9 कॉलेज संचालित है, अन्य 15 कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। तो बिहार के लोगों के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ा कदम उठाया है। मरीज जो ओपीडी के लिए काफी ज्यादा परेशान होते थे, एक शिफ्ट में ओपीडी चलता था, यह बड़ा ही सराहनीय कदम है स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का, जिस तरीके से बिहार के लोगों के और खास तौर पे मरीजों का ध्यान उन्होंने दिया है, ऐसे में सराहनीय कदम है। और बिहार में अगर इसी तरीके से सभी विभाग में मंत्री काम करे तो बिहार में सुविधाएं जो हैं, जो नदारद थी, उन सुविधाओं से अब बिहार के लोगों को जो है वो राहत मिलेगी, लोग परेशान नहीं होंगे और जल्द से जल्द बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो कम समय में निपटा दी जाएंगी। तो तेजस्वी यादव के इस कदम के लिए काफ़ी सराहनीय कदम है और ओपीडी में जो नदारद सुविधाएं थी उसको वो सुधारने के प्रयास में लग चुके हैं और इसी को देखते हुए दो पालियों में ओपीडी चलाने का फैसला किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।